हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यफीये का बुक 4 मॉड्यूल 9 डे 6। ठीक है, मॉड्यूल 9 डे 6। और टॉपिक क्या नाम है? तो टॉपिक का नाम है प्ले राइट पवेलियन। ठीक है, तो टॉपिक का यही नाम है दोस्तों। और इस मॉड्यूल में हम फोकस कर रहे हैं रीडिंग स्किल पे, और आप वो जो बुक मिला है आप उसको पढ़ रहे होंगे, और आप अपनी एक स्टोरी बना रहे होंगे। ठीक है, अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि कल जो मॉड्यूल 7 है आपका कॉन्टेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है गूज बम कॉन्टेस्ट है, सो आपको मतलब वहाँ पर ड्रामा करना रहेगा। ठीक है, तो 5 मिनट का ड्रामा रहेगा, तो आपको अपने पियर के साथ, अपने मतलब कि जो आपके हाउसमेट रहेंगे उसके साथ ड्रामा बनाना होगा, अपनी कोई स्टोरी हॉरर टाइप का बनाना होगा, तो आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो आप जैसे कि जो आप स्टोरी पढ़े हैं, जो आप बुक पाए हैं, उसी तरह का आपका एक स्टोरी हॉरर रहना चाहिए। आपको वहाँ पर कॉन्टेस्ट के दिन प्रेजेंट करना होगा। तो चलिए फिर लेसन नंबर 2 देख लेते हैं। और अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इंस्टा टेलीग्राम पे भी चीज़ें आपको वहाँ मिल रहा है कॉन्टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, कैसे कॉन्टेस्ट को जीते, और आप यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला देख लेते हैं क्या है हमारा लेसन ऑब्जेक्टिव। दिया है लेसन टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट ए प्ले स्क्रिप्ट। मतलब आपको समझना है कैसे जो राइटिंग करते हैं, स्क्रिप्ट को कैसे लिखते हैं, कैसे तैयार करते हैं, उसको आपको समझना है। ठीक है, अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग मतलब कि जो राइटिंग का फॉर्मेट है, स्क्रिप्ट का फॉर्मेट कैसे उसको फ्ले करते हैं, वो आपको समझना है। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। इफ इफ फ्लाई लर्निंग फ्रॉम द क्राफ्ट ऑफ प्लॉट मॉडिफाई द फिनलाइज योर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपको जो अपने क्राफ्ट ऑफ प्लॉट्स की जो लर्निंग आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करना है। ठीक है, कहाँ आपकी गलती है उसको मतलब कि स्क्रिप्ट को मतलब कि मतलब जहाँ भी आपने गलती कर रहे हो, जहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर या आप किसी डायलॉग को गलत बोल रहे हैं, या किसी के रोल मतलब बदलना चाहते हैं, तो आपको लर्निंग क्राफ्ट ऑफ प्लॉट से जो सीखे हैं, जो मॉड्यूल 7 में आपने क्राफ्ट ऑफ प्लॉट के बारे में जो सीखा है, उसको मतलब आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उसको आपको यूज करना है दोस्तों। अगला क्या है देख लेते हैं। अंडरस्टैंड द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्रू प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट अचीव एक्सीलेंस। तो मतलब कि आपको समझना है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मतलब कि जो आपको आपका एक्सीलेंस इसमें अचीव एक्सीलेंस मतलब इसमें आपका रिकॉर्ड गोल क्या है, मतलब इसमें आपका रीडिंग स्किल आपको इन्हेंस करना है, यही आपको गोल है। तो आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, और कैसे मतलब कि अपने रीडिंग स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे हम अच्छा कॉन्टेस्ट को जीत सकते हैं, मतलब कैसे अपना टीम मेट को मतलब कि कॉन्टेस्ट के मतलब कैसे स्टोरी को अच्छा बना के हम कॉन्टेस्ट को जीत सकते हैं, तो आपको समझना है। ठीक है, अगला क्या है। रिव्यू प्रोग्रेस ऑन टेंसेस एंड साउंड से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस साउंड से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पार्ट भी देख लेते हैं दोस्तों। सो पार्ट बी ऐसे दोस्तों, आपको मतलब क्या करना रहेगा, आपको जो आपकी स्टोरी है इसको आपको सिंपल स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट इस तरह का आपको बनाना है। कहाँ आपका प्लेस क्या है, आपसे प्लेस डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर आपकी मतलब कि जो आपकी स्टोरी में जो रोल हैं, ऐसे 4 रोल्स रहेंगे, जैसे रोमियो एडम मतलब कि ऐसे आप अपना भी रोल ले सकते हैं, शिवम विवेक प्रकाश मतलब जो भी आपको रोल रहे वहाँ पर आप अपने टीम का रोल नाम दे दीजिए। उसके बाद फिर सीन कहाँ का है, उसके बाद फिर मतलब कि शिवम को क्या करना है, बेन को क्या करना है, रोमियो को क्या करना है, तो मतलब इस तरह का आपको स्क्रिप्ट तैयार करना है। ठीक है, रोल क्या है, ड्रा मतलब कि उनका मतलब जो डायलॉग्स क्या है उसको आपको मतलब इस तरह का आपको बनाना है। ठीक है, ये तो आपका ये हो गया दोस्तों। ठीक है, ऐसे आपको बना लेना है क्या क्या आपको कहना है, कैसे कैसे करना, किसका रोल क्या है, क्या स्टोरी स्टोरी आपका बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, और आपको क्या है कि वो और दोस्तों आपको मतलब कि अपने स्क्रिप्ट को वहाँ पर लिखना भी रहेगा, अपने जो डायलॉग्स हैं आपको वहाँ पर या सेवी में लिखना रहेगा। ठीक है, या सेवी में आप लिख लीजिएगा। और टेंसेस पे क्यूज़ जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, मेरी तो मतलब कि उसके लिए मैं पूरा तैयार कर रहा हूँ, तो टेंस पे क्यूज़ जल्दी से आ जाएंगे। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम से।